राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह से शुरू हो रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं मेरे पापा गैया लगा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब भी पापा सोकर उठते हैं तो सीधे गैया के पास ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूध भी लेकर जाना रहता है बाज़ार में, इसलिए लेट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले पापा जो है गैया लगा लेते हैं, उसके बाद जो काम रहता है सब पापा करते हैं। तो अभी तक तो पापा का गैया हमारे लगा रहे हैं। और मेरी छोटी बहन जो अमृता है, वह सारे गैया को चारा भी डाल चुकी है और पानी भी डाल चुकी है, खबर चुकी है। तो सारी गैया अपना खा रही हैं और गोबर भी वह उठा चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह वही सोकर उठती है तो उसका काम रहता है गैया को चारा डालना, लेना पानी। तो वह अपना काम कर चुकी है। उसके बाद जो है पापा अपना गैया लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पापा का काम रहता है गैया लगाने के लिए। मम्मी गैया नहीं लगाती, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने उन्हें मना किया है कि नीचे नहीं बैठना है, इसलिए पापा को ही गैया लगाना पड़ता है। तो पापा गैया लगा चुके हैं और उसके बाद बछड़ा छोड़ दिए। तो देखिए बछड़ा कैसे अपना मगन होकर दूध पी रहा है अपनी माँ का। और उसके बाद जो है पापा गैया लगा कर दूध दे देते हैं, तो मम्मी चली जाती है अंदर नापने के लिए। और यहाँ पर बाबू देखिए पापा के गोद में सोकर उठा है, कैसे मगन होकर खेल रहा है। उसे पापा के गोद में बहुत ही अच्छा लगता है और किसी के गोद में जल्दी नहीं जाता है। तो एक तरफ पापा जो है बाबू को खिला रहे हैं और एक तरफ हमारी गैया सारी देखिए सब खा रही हैं, और छोटी वाला बछड़ा जो है वो अपनी माँ का दूध ही अभी पी रहा है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, तो यहाँ पर देखिए भाभी जो है आग जला रही हैं। और हमारे घर सुबह सुबह सबसे पहले जो है चाय और चावल बनता है, क्योंकि सबको सारे लोग सोकर उठते हैं तो सबको चाय ही चाहिए, इसलिए एक तरफ चाय बन रहा है और दूसरी तरफ पतीली में चावल बन रहा है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, जो हमारे खेत से आलू आया था आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि कल पापा घर पे ही थे इसलिए पापा कह रहे थे चलो आज मैं खुदाई कर देता हूँ, सारा आलू निकाल दूँगा। अभी थोड़ा ही निकाले, अभी एक साइड का आलू निकालना है, तो मैं इधर आ जाती हूँ आलू को कट कर लेती हूँ। तो आज मेरे घर बनेगा सब्जी, चावल, रोटी, वो भी भजिया वाला, और साथ में दाल भी, क्योंकि सुबह सुबह हमारे घर चारों चीज़ बनता है, क्योंकि सुबह के समय सबको दो बार खाना चाहिए खाने के लिए, और शाम के समय एक बार ही सारे लोग भोजन करते हैं और सो जाते हैं, इसलिए शाम के समय मसालेदार सब्जी, चावल, रोटी बनती है, और सुबह के समय चारों चीज़ बनता है हमारे घर। तो यहाँ पर देखिए मैं सब्जी कट कर ली थी, और उसके बाद आ जाती हूँ बाहर मशीन पर धोने के लिए। और दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए। लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, जिससे मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो प्लीज आप लोग भी कमेंट किया करिए, इसलिए मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा सब्जी भी धुला चुका है, और मैं ये थाली भी धुल लेती हूँ साथ में जो लेकर आई थी सब्जी के साथ, तो इसे भी धुल चुकी हूँ। और उसके बाद चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मेरे लिए एक काम तो रहता ही नहीं है, एक एक काम लगा रहता है अंदर बाहर। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जी धुल कर दे दी थी भाभी को, और उसके बाद बाल्टी में पानी ला कर रख देती हूँ, क्योंकि पानी भी खत्म हो गया था, और फिर मैं लग जाती हूँ आटा गूंथने में। खैर वो सब बातें छोड़िए, और दोस्तों बताइए कि आप लोग के मौसम कैसा और ठंड कैसी पड़ रही है। हमारे और तो मौसम थोड़ा बहुत सही है, लेकिन ठंड भी कम पड़ रहा है, लेकिन ऐसा मौसम हो रहा है जैसे लग रहा है सबको जुकाम बुखार हो जा रहा है इस मौसम में। मेरे घर तो एक दो लोग को हो गया और मुझे भी हुआ, तो मेरा बुखार जुकाम तो जाने का नाम भी नहीं ले रहा है। बुखार तो खत्म हो गया, लेकिन जुकाम जो है थोड़ा बहुत लग रहा है, आप लोग मेरी आवाज़ से पहचान सकते हैं, इसलिए आप लोग मेरे आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आगे चल के बहुत ही अच्छा है। उसके बाद देखिए हमारा आटा भी गूंथा चुका है, तो मैं चलती हूँ इसे एक साइड रख देती हूँ, भाभी रोटियाँ बनाएंगे, क्योंकि मुझे आज बहुत काम करना है, एक काम हमारे लिए ही है ही नहीं। तो मेरा आटा भी गूंथा चुका है, मैं चलती हूँ दे देती हूँ। और उसके बाद बाबू रो रहा था, तो उसके लिए मैं दूध भी गर्म कर देती हूँ। मैं भाभी से बोली गर्म करने के लिए, वह बोली अभी करते हैं, बाबू रोता हुआ जा रहा था, तो मैं सोची चलो बाबू को एक साइड दूध भी गर्म कर देती हूँ, और गर्म हो जाएगा तो बाबू पी लेगा, वरना रोता ही रहेगा।
और मेरी बहन जो है बाबू को घुमाने के लिए बाहर ले गई है। उसे तो बहुत जोरों से भूख लगी, जब भी दूध देख लेता है तो वह रोता ही रहता है। तो मैं बाबू के लिए जो है पतीली पे दूध भी रख दी हूँ कि गर्म हो जाएगा, बाबू पी लेगा। उसके बाद मेरी बहन जो है इसे बैठा देती क्योंकि उसे स्कूल जाना रहता है। और ये देखिए कैसे किचन के पास जा रहा है चूल्हे के पास कि मुझे दूध मिले, इसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। और फिर मैं बाबू को बाहर लेकर आती हूँ, पापा के पास दे देती हूँ। देखिए बाबू कैसे रो रहा है, बाबू को मेरी भूख बर्दाश्त नहीं होती इसलिए ये बहुत ज़ोरों से रो रहा है। पापा बोल रहे हैं कि दूध गर्म हुआ है या नहीं, मैं बोली बस गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं लेकर आऊँगी। भाभी भी आ जाती हैं तो देखिए भाभी एक तरफ रोटियाँ बना रही हैं और दूध भी गर्म हो गया था तो मैं बाबू को दे दी थी जुड़वा उड़वा कर नेपल में, और उसके बाद वह पी कर अपना सो जाता है। उसके बाद हमारा चावल और सब्जी भी हो गया था, चाय भी हो गया था, तो एक तरफ रोटियां बनाना था और हम लोग को खेत जाना क्योंकि खेत हमारे बहुत बड़ा काम है। आज पापा घर पे ये बोल रहे थे आज घर पे काम है। आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है खेत से शुरू हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आज हमारे खेत आए हुए हम लोग काम करने के लिए। आज जो है उख छिलाएगा पापा बोल रहे थे कई दिनों से, तो आज पापा घर पे ही है क्योंकि उनका काम बंद हो गया है। तो आज सारे लोग आए हुए हैं खेत उख छिलने के लिए, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि हम लोग अपने खेत में कैसे उख की छिलाई कर रहे हैं। तो देखिए मैं खेत में आ गई हूँ, घर का सारा काम निपटा के, और यहाँ पे मम्मी जो है ऊख एक साइड छील रही है क्योंकि मम्मी जब नहीं इस काम में लगते हैं तो हमारा काम ये अधूरा ही रह जाता है। और मम्मी हम लोग को जैसे जैसे बताते वैसे वैसे हम लोग करते हैं क्योंकि हमें उतना अच्छा से ये काम नहीं करने आता है। और हम लोग मम्मी से कह रहे थे बस आप बताओ ज़्यादा काम मत करो। उसके बाद मम्मी जो है हमें गन्ना छीलने के लिए थोड़ा बहुत बताती हैं, और फिर पापा यहाँ पे देखिए एक साइड जो है गन्ने को फरुए से काट रहे हैं और एक साइड रख रहे हैं क्योंकि पापा जब काटते हैं तो सारे लोग छीलते ही हैं और हम लोग से ये जल्दी कटता भी नहीं। और बगल के एक अंकल भी आए हुए हैं ऊख छीलने के लिए क्योंकि उन्हें बाजड़ा चाहिए अपने गैया के लिए, तो पापा बोल दिए थे उन्हें तो वो आ गए थे। और एक साइड पापा ऊख काट काट कर देते हैं सबको और सारे लोग छीलते हैं, और मम्मी भी अभी तक छिल रहे हैं। हम लोग मम्मी से कह रहे हैं कि आप मत छिलिए, रहने दीजिए, हम लोग अपना काम कर लेंगे। कह रही थी नहीं बस थोड़ा बहुत और करवा देती हूँ वरना तुम लोग ऐसे बजे रहोगे और काम कर भी नहीं पाओगे जल्दी जल्दी। और मम्मी से ये काम बहुत ही जल्दी होता है, हम लोग जल्दी ये सब काम किए ही नहीं थे पहले, लेकिन जब से मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है तब से हम लोग को सारा काम करना पड़ता है जो हम लोग पहले नहीं किए थे। फिर भी क्या करें, अपना काम है तो करना ही पड़ेगा, काम छोटा रहे या बड़ा रहे हर काम करनी चाहिए और हर काम करने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं भी लग गई हूँ गन्ने को छीलने में, मुझे उतना अच्छा नहीं आ रहा था। मैं मम्मी से बोल रही थी कि हाथ में फाल ले रहा है, कह रही थी नहीं जैसे भी छीलो बस बचा बचा कर छीलो, तो देखिए मैं कैसे छील रही हूँ और मुझसे तो जल्दी ये छिला भी नहीं रहा था। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, घर के काम चाहे कितना भी रहें उससे करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन खेत के काम इतना बड़ा हो जाते हैं क्या बताऊँ। आप लोग खुद ही देख सकते हैं बहुत ही मेहनत करना पड़ता है खेत के काम करने के लिए और बहुत ही मुश्किल भी हो जाता है। और धूप भी लग रही है, मन भी नहीं कर रहा है कि हम लोग गन्ने छीले, फिर भी क्या करें छीलना तो पड़ेगा ही। वैसे भी पापा का आज जो है काम खत्म हो गया तो बोल रहे थे कि चलो आज मैं घर पे हूँ तो ये काम हो जाएगा, वरना बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा और उख भी नहीं छिला पाएगा और झुकने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहें चलो ठीक है आज घर पर ही रुक जाते हैं और ये काम भी निपटा लेते हैं। और देखिए कड़ाके की जो है धूप लग रही है और मन नहीं कर रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है गन्ने को छीलने में। तो एक साइड मैं जो है उख को छील रहे हैं और दूसरे साइड वो अंकल छील रहे हैं, पापा काट कर सबको दे दिए हैं दोनों लोगों को। और मेरी बहन सब तो स्कूल गई हैं क्योंकि उन सबका पेपर चलने वाला, कह रही थी हम आएंगे स्कूल से तब जो है गन्ने की छिलाई करेंगे, तब तक तुम लोग करो। मैं भी आज घर पर रुक गई थी, मैं सोची चलो मैं नहीं रुकूँगी तो और कौन रुकेगा और ये काम भी अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं रुक गई हूँ। वैसे भी मुझे सर्दी हुआ है, पापा कह रहे थे मत जाओ, चलो थोड़ा बहुत हेल्प ही करवा देना वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा गन्ने को छीलने में, अकेले हम लोग कितना करेंगे। वैसे भी मम्मी की तबीयत ख़राब है, उन्हें ज़्यादा करना ही नहीं है। पापा एक साइड जो है गन्ने को काट काट दे रहे थे और हम दोनों लोग जो है छील रहे थे गन्ने को। पापा जितना गन्ना काट कर दिए थे उतना छिला गया था और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो बोल रहे थे चलो अब रहने दो और जितना हुआ है उतना काम हो गया, अब शाम के समय आएंगे तो और भी गन्ने छीलेंगे। तो ये अंकल जो है अपना बाजरा और गन्ना जो है एक साइड कर लेते हैं और फिर मैं यहाँ पर जो गन्ने छिलाए हुए थे उसे भी ढक देती हूँ, वरना दोपहर के समय कोई आएगा और गन्ने लेकर चला जाएगा, इसलिए मैं इसे ढक देती हूँ और शाम के समय फिर आएंगी गन्ने को छीलने के लिए। बहुत ही मेहनत
करना पड़ता है ये सब काम करने के लिए, इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी ये सब काम होए नहीं। लेकिन बहुत ही अच्छा भी लगता है जब इसका जो है गुड़ बनता है, और बहुत ही टेस्टी लगता है जब रोटी के साथ खाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, जो चीज़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है उस चीज़ को करने में भी बहुत ही मेहनत लगता है। तो देखिए हम लोग जो है अपना गन्ना छील चुके थे और ये बाजरा बहुत ज़्यादा था तो मैं अपने सर पर लेने वाली थी। पापा बोल रहे थे नहीं दो मुझे, मैं लेकर चला जाता हूँ और तुम बाबू को लेकर आओ। आज मेरा बाबू भी आया है घूमने के लिए, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, भाभी अकेली थी तो घर का काम वो करेंगी निपटाएंगी अपना, और हम लोग बाबू को लेकर चले आए थे खेत घुमाने के लिए। तो वैसे भी मम्मी जो है खेत में बैठी ही रहती हैं और थोड़ा बहुत हेल्प की थी मम्मी, तो इसलिए हम बाबू को मम्मी को दे दिए थे। और देखिए बाबू जय मम्मी के साथ कैसे जा रहा है, उसे भी खेत में बहुत ही अच्छा लगता है जब भी वह खेत आता है और सबको देखता है तो खुश भी हो जाता है। तो मैं अपने मढ़ई में से मम्मी के लिए कुर्सी लेकर आई थी, तो यहाँ पे जो है लोग रहते हैं उनके घर में रख देती हूँ, और शाम के समय फिर आएंगे तो फिर उस कुर्सी का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए बाबू कैसे मेरे साथ जा रहा है और मेरी बहन को भाई भाई बोल रहा है, एक बहन साथ में आई हुई है। तो और यहाँ पे देखिए मम्मी भी आ गई हैं, और इस मढ़ई में भी कुछ सामान रखा हुआ है तो यहाँ से मम्मी लेती है और उसके बाद इस मढ़ई में ताला मारते हैं, क्योंकि इस मढ़ई में मोटर गड़ा हुआ है, वरना ताला नहीं मराएगा तो कोई ना कोई आएगा चुरा कर लेगा, चला जाएगा मोटर। वैसे भी पहले भी दो बार चोरी हो चुकी है इसलिए बहुत ज़्यादा डर लगता है खेत में कुछ भी रहता है। तो देखिए मेरा बाबू खेत गया हुआ था, वह थक गया था तो मैं उसे लेकर आती हूँ और वह आते आते सो भी गया है। तो चलिए मैं इसे अंदर रूम में सुला देती हूँ वरना उठ जाएगा तो फिर रोने लगेगा, क्योंकि इसे नींद बहुत जोरों से आ रही थी और मैं इसे एकदम आराम से सुलाती हूँ वरना थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो रोने लगेगा और फिर जल्दी सोएगा नहीं। तो इसलिए मैं इसे सुला देती हूँ और उसके बाद बाहर चलती हूँ, सबको पानी दे देती हूँ क्योंकि सबको बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी और धूप भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी जब हम लोग ऊख की छिलाई कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैं मम्मी पापा को पानी दे दी, तो मम्मी पापा अपना जो है पी रहे हैं और मैं पहले ही पी चुकी हूँ बाबू को सुलाने के बाद। और दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।